बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आजकल हमारा टॉपिक है, हमने सैम्पल वैल्यूज बनानी है बट इन द केस ऑफ विद रिप्लेसमेंट व्हेन सैम्पल साइज इज एन इज इक्वल्स टू 3। स्टूडेंट, प्रीवियस वैल्यूज में भी हमने 2 से 3 वीडियोस किए जिसमें हमने सैम्पल वैल्यूज बनाना सीखे। उसमें अगर आपके पास सैम्पल साइज एन 3 होता था या 4 है या 2 है तो आपने कैसे बनाना है विद रिप्लेसमेंट के लिए एंड विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए। विद रिप्लेसमेंट के लिए मैंने आपको सारे केस जो है वो प्रीवियस वीडियोस में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। ये आपको विद रिप्लेसमेंट व्हेन सैंपल साइज इज 3 तो आपने कैसे ट्री डायग्राम बना के अपनी सैंपल वैल्यूज बनानी है। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, जो विद रिप्लेसमेंट केस है ना, वहां तो आप इजिली अपनी वैल्यूज जो है बना सकते हो, लेकिन जब आपके पास केस आ जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट, आपने सैंपल वैल्यूज बनानी है, वहां पे आपके पास डिफिकल्टी आ जाती है। अक्सर स्टूडेंट करते हैं ये 3-3 वैल्यूज लेके कर देते हैं, वहां आपके पास वैल्यूज तो बन जाती हैं, वैल्यूज तो आ जाती हैं, लेकिन 1 से 2 वैल्यू या 2 से 3 वैल्यूज लास्ट में ऐसी होती हैं जो रह जाती हैं और वो आपके पास सीक्वेंस वाइज में नहीं आ रहा होता। ये जो टी डायग्राम है इसमें ईच एंड एवरी वैल्यू जिस तरह आपको बुक में गिवन होती है वैसे ही सेम आ रही होती है। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, जब आपके पास पॉपुलेशन गिवन हो और विदाउट रिप्लेसमेंट केस हो, स्पेशली विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए आपको कह रही हूँ, जब सैंपल साइज 3 होता है या 2 होता है तो वहां आप ट्री डायग्राम बनाए, वो तो एक आपके पास वैल्यू सीक्वेंस वाइज आ रही होती है और बड़े इजिली आप उनको बना सकते हो। अब हम ट्री डायग्राम बनाते कैसे हैं व्हेन सैंपल साइज 3 होता है वो मैं आपको सिखाती हूँ। स्टूडेंट, हमारे पास सबसे वैल्यूज क्या है, 0 है, ठीक है। 0 के बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास है जी 3, 6, 9। अब आपने 0 ले लिया, अब नेक्स्ट आपने लेना है 3। 3 के बाद आपके पास क्या वैल्यू, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सैंपल वैल्यूज बनाने के लिए। अगर आप ये बना लेते हो तो इजिली आप अपना क्वेश्चन जो सॉल्व कर सकते हैं। 3 है ना, 3 के बाद क्या रहेगा, 0, 6, 9, 0, 6 एंड 9। 3 के बाद हमारे पास क्या है, 6 है, ये आपने लिखा 6। 6 के बाद हमारे पास क्या वैल्यूज है, 0, 3, 9, आपने लिख दिया 0, 3 एंड 9। एंड देन 9 है, 9 के बाद आपके पास वैल्यूज क्या है, 0, 3 एंड 6। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई जो हमने लिखी। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, क्योंकि बिकॉज वी हैव द सैंपल साइज इज इक्वल्स टू 3 तो आपके पास केस जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट के सैंपल साइज आपको 3 गिवन है, यहां तो आपके पास 2 बन गया। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने नेक्स्ट करना है कि अगर 0, 3 गिवन है तो क्या नहीं गिवन आपको, 6 और 9 नहीं गिवन। इसी तरह अगर आपको 0, 6 गिवन है तो क्या नहीं गिवन, 3 एंड 9 नहीं गिवन, आप लिख दो 3, 9। इसी तरह नेक्स्ट आप देखो 0, 9 अगर आपको गिवन है तो और बाकी क्या नहीं गिवन, 3 एंड 6 नहीं गिवन है, वो आपने लिख दिया। देन नेक्स्ट आप देखो कि अगर आपको 3, 0 गिवन है तो फिर बाकी क्या रह जाता है हमारे पास, 3 एंड हमारे पास क्या गिवन है, 0, तो 6, 9 रह गई, हमने 6, 9 लिख दिया। अगर हमारे पास 3 एंड 6 है तो 0 एंड 9 हमारे पास नहीं है, हमने 0 और 9 लिख दिया है। इट्स अ ट्री डायग्राम एंड सैंपल साइज इक्वल्स टू 3 और 4 के लिए भी मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोज में करवाऊंगी। अगर आपके पास 3 एंड 9 है तो क्या वैल्यूज आपके पास नहीं है, 0 और 6 नहीं है। सेम प्रोसेस आपने नेक्स्ट वैल्यूज के लिए करना है। अब आपने नेक्स्ट वैल्यूज देखो हमारे पास क्या है कि अगर 6 एंड 0 है तो हमारे पास बाकी क्या नहीं है, हमारे पास 6 एंड 0 है तो 3 और 9 नहीं है, 6, 3 है तो बाकी हमारे पास क्या नहीं है, 0 और 9 नहीं है। अगर 6 और 9 है, 6 और 9 है तो 0 और 3 हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट आप देख लें स्टूडेंट, अगर 9 एंड 0 है तो 3 एंड 6 नहीं है, 3 एंड 6 नहीं है। और इसी तरह आप देखें अगर 9 और 3 है तो हमारे पास क्या है, 0 और 6 नहीं है। और अगर आपके पास 9 और 6 है तो आपके पास 0 और 3 नहीं है, ये आपके पास है। स्टूडेंट हमने बनानी है जी सैंपल वैल्यूज, ठीक है, सैंपल वैल्यूज। अच्छा एक और चीज आपको बताऊं कि व्हेन सैंपल साइज इज इक्वल्स टू 3 तो हाउ मेनी सैंपल्स वैल्यू वी कैन गेट। तो आपने इसके लिए सैंपलिंग, एक तो परम्यूटेशन बिकॉज ऑर्डर इज गिवन आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आपने क्या करना है कि हमने लेना होता है ये फार्मूला जो कि आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। अब आप देखो इसमें करो एन, हमारे पास टोटल कितने 4 है, मैंने 4 लिख दिया, एन माइनस 1 3 आ जाएगा, एन माइनस 2 हमारे पास 2 आ जाएगा, तो टोटल हाउ मेनी पॉइंट्स यू कैन गेट, 24 पॉइंट्स हमारे पास बनने चाहिए। जब पॉपुलेशन हमारे पास हो 0, 3, 6, 9, मतलब एन जो कैपिटल एन है पॉपुलेशन है वो 4 हो और स्मॉल एन आपके पास सैंपल साइज 3 हो इन द केस ऑफ द विदाउट रिप्लेसमेंट। अब आप देखो सैंपल साइज आपके क्या क्या है, 0, 3, 6 बन रहा है, इट्स मीन 0, 3, 6 नेक्स्ट क्या बन रहा है, 0, 3, 9 0, 3, 9 देन क्या बन रहा है, 0, 6, 3 0, 6, 3 0, 6, 9 0,
69, then 093, ये मैं यहाँ से करूँ, ये 093, 093, 096, 096, ये हमारे पास बन गए पॉइंट्स, जो कि हमने ये फर्स्ट जो हमने ड्रॉ की थी ट्री डायग्राम, यहाँ से हमने अपनी सैम्पल वैल्यूज जो है वो कलेक्ट कर ली। नेक्स्ट आपने सेम करना है 306, 309, 309, देखिए 390, 369, 369, 390, 390, 396, 396। अब सुन, इसमें एक चीज बड़ी ही समझने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके पास टोटल जो पॉइंट्स थे ना, वो आपके पास थे 0369। इट्स मीन यू हैव द टोटल पॉपुलेशन साइज इज इक्वल्स टू 4। आपके पास जो पॉपुलेशन साइज था वो इज इक्वल्स टू 4 था। और अगर आप प्रोसेस करते, जो कि आप ऑलरेडी करते आते हो, जब आपके पास पॉपुलेशन लार्ज होती है, कि हमने पहले ये 3 वैल्यूज ले ली, फिर स्किप की, फिर ये 3 वैल्यूज ले, फिर स्किप, वो इट्स टू मच डिफिकल्ट फॉर द स्मॉल पॉपुलेशन। जब आपके पास पॉपुलेशन इतनी स्मॉल हो, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप इतने ज्यादा सैंपल वैल्यूज जो हैं वो आप लाओ। तो ये प्रोसेस जो ट्री डायग्राम है, इट्स अ वेरी सिंपल मेथड और बहुत ही सीक्रेट। आप कंपेयर करो, जो ये सैंपल वैल्यूज मैंने फाइंड किए हैं, सेम ऐसे ही बुक में आपको फाइंड है। पेज नंबर 45 है, पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक है, पार्ट टू एफएससी लेवल के लिए। तो ये स्टूडेंट सेम वही पॉइंट्स आ रहे हैं। तो आप जब भी अप्लाई करो स्टूडेंट्स ट्री डायग्राम अप्लाई करो, बेसिक वो बीएससी लेवल के लिए, एफएससी लेवल के लिए, मेरा मशवरा तो आपको यही है, क्योंकि आपको पॉइंट्स जो है वो सीक्वेंस वाइज आ जाते हैं और बड़े इजीली और जल्दी कैलकुलेट हो जाते हैं। वरना एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं होता कि आप ज्यादा टाइम अपने सैंपल वैल्यूज फाइंड करने पर लगाओ। देन 603, अब हम यहां से फाइंड करते हैं, हमारे पास क्या आएगा 603, देन 609, देन 603, 609, then 609, 609, 3, same as 603, 903, 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
फोर सैंपल वैल्यूज, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. It's mean we are getting the sample values of the 24 when population size is 4 and sample size is 3 and in the case of the without replacement. तो आई होप स्टूडेंट आपको ये सैम्पल वैल्यूज बनाने का मेथड जो है वो समझ में आया होगा. अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपने याद रखनी है स्टूडेंट, अगेन गाइड कर रही हूँ. जब भी एग्जाम्स में विदाउट रिप्लेसमेंट का केस आ जाता है तो सबसे पहले आपने लाइन ड्रॉ करनी है और उसमें आपने सैम्पल साइज लिखना है कि हाउ मेनी वैल्यूज वी कैन गेट. यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि बोर्ड पे इतनी स्पेस नहीं थी. मैंने एक आपको मेथड बताना था ट्री डायग्राम, लेकिन जब आप पेपर करते हो सबसे पहले आप हमने 24 तक काउंटिंग लिखो, ठीक है, फिर आप सैंपल पॉइंट्स बनाना शुरू करो जो कि हमने ट्री डायग्राम ड्रॉ करके जो है वो बयान किया. तो ये अब आप पॉइंट्स जो है अपने अगर बुक के साथ कंपेयर करते हो तो आपके पास सेम पॉइंट्स आए हैं और आई होप स्टूडेंट आपको समझ में भी आए होंगे. मैं स्टूडेंट एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करती होती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो. बच्चे जितने लोगों को आपसे फ़ायदा हासिल होगा अल्लाह भी आपको इस चीज़ का अजर देगा. और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि आप भी फ़ायदा उठा सकें और जो और स्टूडेंट हैं वो भी फ़ायदा उठा सकें. अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अगर आपको फिर भी किसी किस्म का भी प्रॉब्लम है या वो टॉपिक्स जो आपको समझ में नहीं आ रहे आप मुझे लिखकर कमेंट्स में भेज दिया करो. मेरी कोशिश होती है कि मैं उनका स्क्रीनशॉट ले लूँ और आपको सबसे पहले उन टॉपिक्स पर वीडियोज़ बना के दूँ ताकि आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है वो कम से कम हो सके. अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.